वाली मत मेरी मारी हिमाचल वाली आयो है तिखी वाली मुंह तो निरी खंड दिल तो सी भी मकाली हिमाचल वाली आयो है तिखी वाली वाली मत मेरी मारी हिमाचल वाली आयो है तिखी वाली मुंह तो निरी खंड दिल तो सी भी मकाली हिमाचल वाली आयो है तिखी वाली वाली मत मेरी मारी हिमाचल वाली आयो है तिखी वाली मुंह तो निरी खंड दिल तो सी भी मकाली हिमाचल वाली आयो है तिखी। गुड मॉर्निंग चूची एंड गुड मॉर्निंग पापा। ये बेचारे 5 o'clock उठते थे और आज इनको मुश्किल से मौका मिला है लेट सोने का, सो एंजॉय कर रहे हैं। और ये बच्चा मॉर्निंग से उठा हुआ है और सबको थका के पीछे छो गया। चुच्ची तो पूरे इंजॉय करती है, पूरा इंजॉय करती है चुच्ची, छोटी सी गुड़िया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ पहाड़ एंड बोट एंड ट्रैवल ब्लॉग। सो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 o'clock। सो सभी अपने अपने में बिजी हैं एंड मैं तो मॉर्निंग में उठ गई थी एंड मैंने थोड़ी देर टेरेस पे वॉक किया एंड धूप भी यहाँ पे कम ही निकलती है तो ठंड की वजह से मन करता है कि आप थोड़ा सा धूप में खड़े हो जाओ। लाइक यहाँ घर के अंदर काफ़ी ठंड रहती है, सो क्लोथ्स भी मैं फुल स्लीव के लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है घर के अंदर ठंड तो ऑलवेज ही रहती है, आप किसी भी वेदर में आ जाओ यहाँ पे। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ एंड अभी बस सभी अपना अपना फ्रेश हो रहे हैं एंड मैं आपको भगवान जी के दर्शन कराती हूँ अभी, ठीक है। देखिए सुबह का दिया जल चुका है, भगवान जी ने हम सबको आशीर्वाद दे दिया है। ये है किचन और यहाँ पे मम्मी लगी हुई हैं काम में। गुड मॉर्निंग बोलो मम्मी। गुड मॉर्निंग। मम्मी डिशवॉशर में डिशेस, अभी डिशवॉशर में यूटेंसिल्स वगैरह लगा रहे हैं और यहाँ पे बनाई है मम्मी ने आलू और बीन्स की सब्ज़ी और अभी बस यहाँ चपाती बनेगी, तब तक आपको यहाँ से बाहर का व्यू किचन से देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये हमारे किचन से बाहर का व्यू है और यहाँ पे एकदम ग्रीन 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 है, वो आपको बाहर जाके देखने को मिलेगा। यहाँ से दिख रहा है ना आपको, ये सारा जंगल है यहाँ के, यहाँ से सामने थोड़े थोड़े घर नज़र आते हैं, बस इतना ब्यूटीफुल व्यू है। और ये रोज़ देखते हैं यहाँ से विंडो से, इतना सुंदर व्यू। चलिए था किचन का टूर। अभी मैं आपको यहाँ पे टीवी चल रहा है बट अभी न्यूज़ लगी हुई है बट कोई भी नहीं देख रहा। ये है एंटीक सा फ़ोन, कौन से ब्रिटिशर्स के ज़माने का तो नहीं है कहीं, क्योंकि यहाँ हिमाचल में पहले ब्रिटिशर्स ही रहते थे ना। ये ग्राउंड फ्लोर से स्टेयर्स जाती हैं, यहाँ पे हमारी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये ब्रदर है, मम्मी है, पापा है, बड़ा ब्रदर है, ये मैं हूँ और मेरी डॉटर पता नहीं कहाँ थी उस टाइम पे फ़ोटो खिंचवाते वक्त। मेरी दादी जी भी नहीं है, उस टाइम एक्सपायर हो चुके थे। और ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरी नानी जी हैं और उसके बाद मम्मी पापा। ये रिटायरमेंट की फ़ोटो है, ये हम रिटायरमेंट पे आए थे तब की है। ये मेरी सोलो पिक्चर है जो मैं हमेशा खिंचवाती हूँ। ये मेरे ब्रदर ने खुद हैंड से पेंटिंग करी है। सो ये है व्यू कुछ नीचे का, ये है ड्राइंग रूम और ये ऊपर तक जाता है और ये जो वो वाला रूम दिख रहा है ना आपको, वो नीचे एक बेडरूम है, ठीक है। और वहाँ पे किचन है, इस तरफ से भी एंट्री डोर है, एक नीचे से भी एंट्री है। वहाँ पे डाइनिंग रूम कम पूजा रूम है और अब ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर को एंड यहाँ से हमारी एंट्री होती है जो मिडल का पोर्शन है। तो मैं आपको ये देखिए, ये कैलाश पर्वत के आप दर्शन कर रही है, मनी महेश, ये भोले बाबा हैं, माता रानी जी हैं एंड ये बच्चा मेरे पीछे पीछे ही रहता है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ हमारी गाड़ियाँ पार्क हैं
तो एक्चुअली यहाँ से ना बहुत ही सुंदर ना माउंटेन का व्यू दिखता है। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखता है माउंटेन्स का। तो ये एंट्री है हमारी। एक्चुअली जो मिडल वाला पोर्शन है ना, मिडल वाले पोर्शन से एंट्री होती है हमारी। और मैक्सो चलो आ जाओ बेटा, ये प्लांट्स लगाए हुए हैं पापा ने मम्मी ने एंट्री। एंड ये जो सामने रूम है ना, ये सामने रूम है मेरे ब्रदर का म्यूज़िक का स्टूडियो है। ये म्यूज़िकल वाइब्स करके स्टूडियो है। ये मैं आपको बाद में इसका टूर कराऊंगी, क्योंकि अभी लॉक रखा हुआ है उसने। ये है एंट्री। मैक्स कम बेटा कम, मैक्स भी आपको हाउस टूर करवा रहा है। सो जैसे ये हो जाती है हमारी एंट्री, तो एंट्री हम मिडिल वाले पोर्शन से करते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे है ना, नीचे वाला पोर्शन वो है लिविंग एरिया का, ठीक है। ये सारा लिविंग एरिया है नीचे। एंड ये प्यारा सा एक शैंडलियर है यहाँ पे, जो कि चलता है नाइट में और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और पापा ने सारा वुड वर्क करवाया हुआ है, क्योंकि हमारे इधर हिमाचल में वुड वर्क रहता ही है। सो ये एक लॉन्ग सी विंडो है, ये एक बेडरूम है, लेकिन अभी यहाँ पे पापा फ्रेश हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। मम्मी पापा का रूम है और ये एक और रूम है, ये गुड मॉर्निंग। सो अभी इसको भी सेट करना है। एंड ये है एक सिटिंग एरिया, जस्ट अभी वैसे ही सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो एक्चुअली ये है मेरी मैरिज के टाइम की फ़ोटो, जब मेरी मैरिज हुई थी तो मम्मी पापा की उस टाइम की फ़ोटो है। और ये जब हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी तो ये उस टाइम की फ़ोटो है, हम कैसे दिखते थे। और ये पापा जब जॉब में थे रिटायरमेंट से पहले। एंड ये भी मेरी शादी के टाइम की फ़ोटो है। तो इसमें सभी रिलेटिव्स हैं। ये गणेशा जी हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो डोर है बाहर का, यहाँ पे वॉशिंग एरिया है एंड ओपन वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे भी कुछ हाउसेज हैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ के, माउंटेन है ये पूरा फुल, कुछ कुछ हाउसेज हैं सामने। इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ से जाते हैं ऊपर, तो यहाँ से एक फ्लोर और है ऊपर। तो बस यहाँ पे फ्लोर्स ही फ्लोर्स हैं, आप चलते जाओ चलते जाओ, थक जाते हैं। यहाँ पे किसी ने अभी मेडिटेशन की थी, तो शायद ये ब्लैंकेट बिछा हुआ है। अब हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आ चुके हैं। और ये एक और रूम है, कुछ बुद्धा जी की पेंटिंग्स लगी हैं। ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, इसको होम स्टे में कन्वर्ट करना है अभी, तो उसी पर्पस से बनाया हुआ है। सॉरी। और इस रूम से बाहर का व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी एवरीवेयर। मैं अभी नाइट सूट में हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और ये ड्रेसिंग एरिया है और इस तरफ एक वॉशरूम है। तो वॉशरूम में एंड ये बच्चा साथ में ही रहता है। अब आपको मैं सेकंड रूम दिखाती हूँ। एक्चुअली अभी सेटिंग्स वगैरह करनी है, रूम्स तो बहुत सारे हैं इस घर में, बट बस कुछ कुछ सेटिंग्स रह गई हैं जो अभी करनी है। बाकी ये भी एक ड्रेसिंग रूम ही है, कुछ सेटिंग्स फिटिंग्स वगैरह होनी है। ये है वॉशरूम, सेम वॉशरूम फर्स्ट रूम का भी था वैसे ही। आप उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी ओके, ध्यान से मेरा बेटा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और सिटिंग एरिया है, बट ये वाला सिटिंग एरिया अभी प्रॉपरली सेट करने के लिए है, क्योंकि अभी प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है। ये एक रूम और है सेम वैसा ही। यहाँ पे अभी मेरा ब्रदर सो रहा है, सो डिस्टर्ब नहीं करूँगी। एंड ये है एक और एंट्री, जो सबसे टॉप फ्लोर है उसकी एंट्री यहाँ से होती है।
और यहाँ से ये देखिए गाइस, जहाँ से मैंने पहले एंटर किया था वो मिडल वाला फ्लोर था, और जो सबसे नीचे वाला लिविंग एरिया वाला था वहाँ से भी एंट्री है, और जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे भी हमारी बाहर बाहर से एंट्री है। सो कल को अगर कोई होम स्टे में आना चाहे तो उसकी प्राइवेसी पूरी तरह से बनी रहेगी। और ये जंगल दिखता है हमारी विंडो से, बहुत सारे भालू होते हैं रात को यहाँ पे, और सामने वो देखिए यहाँ से मनी महेश, पीर पंचाल जो माउंटेन्स हैं उसके व्यू दर्शन हो रहे हैं आपको। एंड बहुत ही सनी वेदर है आज, अच्छा लग रहा है। एंड ये हमारी एक और ये एंट्री मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। लाइक अभी हमने इस तरह का रखा हुआ है, यहाँ से इस तरह की स्टेयर्स हैं ताकि किसी को अगर बाहर से आना हो तो आप इजीली एंटर कर सकते हो। अगर प्राइवेसी होती है ना एक जैसे, लाइक अंदर से नहीं किसी की एंट्री होती है, बाहर से आप एंट्री करवा सकते हो। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हमारी, और बस ये पीछे भी जंगल है सारा का सारा। यहाँ पे जो ये दिख रही है बिल्डिंग, ये है शिव पार्वती जी का मंदिर एंड शिव वाटिका। वैसे जो ये हमारा घर जहाँ पे पड़ता है इसको शिव वाटिका का नाम दिया गया है। तो हम अगर किसी को बताएं अपना एड्रेस तो हम यही कहते हैं कि हम शिव वाटिका में रहते हैं। सो चलिए मैं अंदर आपको लेके चलती हूँ और अपने कल्चर से रूबरू कराती हूँ आप। यहाँ पे डोर कर दिया मैंने क्लोज, एंड यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो कि हमारे हिमाचली कल्चर से बिलोंग करती हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, कुछ कुछ देवी देवताओं की फ़ोटो हैं तो कुछ यहाँ के कल्चरल चीज़ें हैं, लोग हैं जिनकी फ़ोटोज़ हमने लगाई हुई हैं, कुछ ट्रेडिशनल मंदिर हैं, और ये इस तरह की फोटोज़ हैं। ये भी हमारे कल्चर में ही है सब कुछ, कल्चर की फ़ोटोग्राफ्स। ये 84 टेम्पल है भरमौर का, एंड इस तरह की ये शिमला की ट्रेन है जो वहाँ चलती है। एंड ये हमारा कल्चर है किन्नौर का, यहाँ पे बाइक राइडर्स की फ़ोटोज़ हैं। एंड ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं अपनी हिमाचल की। एंड ये जो है ये पक्षी है मोनाल, तो ये बहुत ही फेमस है, मतलब इस ये जो मोनाल पक्षी है ना जो इसकी ऊपर कलगी बनी हुई है, ये जो हिमाचली कैप्स होती है ना उसमें इसकी कलगी यूज़ की जाती थी पहले। और ये मेला है कुल्लू का, आई थिंक हाँ कुल्लू का ही है जो सबसे बड़ा मेला होता है वहाँ पे। ये हिमाचली हमारे हिमाचल की शान, हिमाचल की टोपियाँ हैं हमारे, ये कोई हिमाचली बच्चा है। ये यहाँ की ट्रेडिशनल टिक्का है जो मेरे पास भी है। एंड ये सिंगर हैं हमारे इंद्रजीत जी हिमाचल के, बहुत ही फेमस। ये है हमारा शिमला, ये है हमारे राजमा चावल, ऐसी बहुत सारी हिमाचल की चीज़ें हैं जिसको अभी एक वॉल में हम नहीं लगा पाए लाइक, लेकिन हमने कुछ कुछ चीज़ों को डिस्प्ले किया है। एंड ये है हमारा ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम हमारा बुद्धिज़्म का एक बहुत अच्छा फ्लैग। एंड यहाँ पे कुछ हॉर्सेस की फोटोज हैं। सो यहाँ पे लगा हुआ है नमस्ते एंड वेलकम टू आवर होम, मे ऑल हु एंटर एज गेस्ट लीव एज फ्रेंड्स। ट्रू ना, ऐसे ही होना चाहिए, कोई भी आपके घर में आता है उसको फील होना चाहिए कि ये देखिए फील होना चाहिए कि आप अपने घर में आए हो और एक रिलेशन बना के जा रहे हो। सो हर तरफ से आपको व्यू मिलेगा, ये देखिए फ्रेंड्स वहाँ ऊपर काला टॉप है। अभी इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ वन डे के लिए आई हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको काला टॉप की भी जर्नी कराऊंगी। एंड वो रहा हमारा डलहौज़ी, ब्यूटीफुल सा डलहौज़ी। एंड यहाँ से भी एक बहुत बड़ी विंडो मिलती है जहाँ पे नीचे बैकुंठ नगर है, कितना सुंदर नाम है ना बैकुंठ नगर, मीन्स ऐसे लगता है जैसे कोई गॉड भगवान किसी बैकुंठ में आके बैठे हुए हों। और हम रहते हैं शिव वाटिका में, तो सब इसको कहते हैं हिमाचल, क्या कहते हैं देवी देवताओं की धरती है ना, तो नाम भी वैसे ही रखे गए हैं। सो
चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, और देखिए ऊपर ऊपर ये यहाँ से भी व्यू है। मैं जा रही हूँ फोर्थ फ्लोर पे। मैं आई थी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से ओह गॉड थर्ड फ्लोर। ये हो गया ये ऊपर टेरेस रूफटॉप, ये कर दिया। यहाँ पे छोटा सा गांव है और खाली खेत पड़े हुए हैं, कितने सुंदर है ना, सुंदर सुंदर ग्रीनरी वाले। वो देखिए अकेला सा घर है वहाँ पे। यहाँ पे भी माउंटेन देखो, ऊपर 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 जाके कुछ कुछ घर बन रहे हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और यहाँ पे पापा हैं और ये हमारा छत, छत पे आ गए हम। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अभी तो धूप निकल आई है, बट धूप बहुत अच्छी लग रही है बॉडी को। मतलब लाइक यहाँ पे आके ना आपका मन करता है कि धूप सेकी जाए। और ये देखिए मैक्सू, मैक्सू क्या कर रहे हो आप, घूमी 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 हो रही है। तो चलिए अब आप स्टेयर्स को काउंट करिए और देखिए कि मैं अब यहाँ से कितना कितना नीचे जाती हूँ। ये आ गया हमारा एक फ्लोर, और उसके बाद और स्टेयर्स हैं, इनको भी उतरते रहिए। ये हमारी आ गई फर्स्ट एंट्री, ऊपर से भी एंट्री थी। और यहाँ से मम्मी पापा का रूम रह गया था मुझे दिखाने के लिए। सो अभी यहाँ पे मम्मी पापा का रूम से भी बाहर बहुत अच्छा व्यू दिखता है गाइस। और उसके बाद चलिए और नीचे चलते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हो। हम आ गए हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम के साथ, एक कॉमन वॉशरूम है यहाँ पे। एंड वो देखिए छोटा बेबी भी उठ गया, डब्बू मेरा प्यारा क्यूटू बेबी। हेलो डब्बू, गुड मॉर्निंग। टीवी देख रहे हो आप? ओ टेल टेल हिलाई जा रहे हो आप अपनी, है ना। जय माता दी। वाओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी। पापा क्या कर रहे हैं? इसको करो जीजू, इधर चल जीजू, आ रहे हो डबो 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 ये जितने भी पोस्टर्स लगे हैं ये अभी तक की एल्बम्स है जो उसने खुद बनाई है। ये जो ट्रे है वो और पेंट करी है यहाँ इस तरह से। ये जो ये तो वो है, क्वेश्चन है मंगाया ये है। दिखाओ भी तो एक सेकंड तो एक। अच्छा ये म्यूजिक, यहाँ पे क्वेश्चन म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे गिटार है, पियानो है, यहाँ पे कुछ ऊपर क्यों लगाया हुआ है। हाँ जी जी, ये क्या करते हैं? ये जो जी एब्जॉर्बर है सब जो भी है ना यहां पे साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए, वो कुशंस क्यों रखे हैं ऐसे? वैसे ये भी ऐसे मतलब साउंड एब्जॉर्ब करते हैं। वो लैंप तो ने खुद बनाया है। और ये क्रिएटिविटी देखो, इसने लैंप खुद बनाया है ऋषि ने, ये बहुत अच्छा। यहाँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं और ये स्मॉल ऑफिस टाइप है, मतलब स्टूडियो जो कि है ऑन वहां से करो ना इस बंदे का। अच्छा लग रहा है, नीचे काफी कोजी है, फ्लोर मैटिंग वगैरह हुई पड़ी है जो कि हमने मिलके करी थी, है ना। तो जो कि हमने मिलके करी थी, एक मिनट लाइट ऑफ करना ईशु, ये ईशु बड़ी वाली ऑफ कर दो। हाँ अब ये है कुछ नाइट का व्यू। हाँ ईशु साइड हो ना, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अभी।
करो